लोकसभा चुनाव को देखते हुए आइए आज जानते हैं गुना सीट का पूरा मामला। आखिर क्या वजह है कि गुना में सिंधिया परिवार का डंका बजता है और इस परिवार की तीन पीढ़ियां इस संसदीय सीट से 14 बार चुनाव जीत चुकी है। जी हां, हमारे लिए जानना बहुत दिलचस्प होगा कि सिंधिया परिवार गुना से 14 चुनाव जीत चुका है। जनता में महाराज और श्रीमंत जैसी उपाधियों से प्रसिद्ध ज्योतिरादित्य सिंधिया 2014 में कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर यहाँ से चौथी बार सांसद चुने गए। इसके पहले उनकी दादी विजया राजे सिंधिया 6 बार और उनके पिता माधवराव सिंधिया यहाँ से 4 बार सांसद रह चुके हैं। इसी सीट पर सिंधिया परिवार के वर्चस्व का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि माधवराव सिंधिया ने यहाँ पर एक बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में भाजपा और कांग्रेस के उम्मीदवारों को हराकर जीत हासिल की थी। वर्ष 1998 में विजया राजे सिंधिया अपना नामांकन दर्ज करने के बाद बेहद बीमार हो गई और वह प्रचार करने क्षेत्र में पहुंची नहीं और बिस्तर से ही चुनाव जीत गई। कुल मिलाकर 1951 में जो पहला चुनाव हुआ था उसमें सीधा सिंधिया परिवार की दखलंदाजी यहां नहीं रही, लेकिन इसके बावजूद हिंदू महासभा के विष्णु गोपाल पांडे ने कांग्रेस के गोपी कृष्ण विजय वर्गीय को हराया था। और इसके बाद 1956 में मध्य प्रदेश का गठन हुआ और राजमाता के नाम से मशहूर विजय राजे सिंधिया कांग्रेस में शामिल हो गई। इसके बाद वे भारतीय जनता पार्टी में भी आई और लगातार यहाँ पर स्थितियाँ बदलती चली गई। लेकिन कहा यह जाता है कि गुना से हमेशा सिंधिया परिवार का ही उम्मीदवार जीतता चला आया है। सब्सक्राइब आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर मोर अपडेट्स।